हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मृति एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए चार अक्षर के शब्द लेकर के आई हूँ। बच्चों को जैसे कि हमने बुक पढ़ने सिखाने के लिए दो तीन अक्षर के और चार अक्षर के शब्द पहले सिखाने होते हैं, उसके बाद हम मात्रा वाले शब्द पे जाते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में दो अक्षर के और तीन अक्षर के शब्द शेयर कर रखे हैं। आज मैं आप सबके साथ चार अक्षर के शब्द शेयर करने के लिए जा रही हूँ। बच्चों को चार अक्षर के शब्द सिखाना बहुत आसान तरीके से हम सिखा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप सिखाएंगे तो आपके बच्चे बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो बच्चों को पहले इस तरीके से इस वर्कशीट में मैंने दे रखा है, जैसे बच्चे जैसे अ से लेकर के ज्ञ तक सारा व्यंजन और सब आ गया उन लोगों को, तो अच्छे से पढ़ना आ गया। तो अब हम इसको दो अक्षर तीन अक्षर के शब्द भी हमने सिखा रखे हैं, अब हम चार अक्षर के शब्द ऐसे उनको दे सकते हैं। अक्षरों को जोड़ कर लिखो, जैसे स ल ग म। तो बच्चे अलग अलग से इनको प्रोनाउंस करेंगे और उसके बाद ध्यान इसमें उसको जोड़ करके लिखेंगे, जैसे स ल ग म, सलगम, है ना। जैसे ये लिखा हुआ ट म ट म, टम टम, यहाँ पे लिखेंगे ट म ट म टम टम। इस तरीके से बच्चों का उच्चारण भी सही होता है और वो एक एक अक्षरों को पढ़ के अच्छे से फिर उनको जोड़ के अच्छे से लिख भी पाएंगे और उनको चार अक्षर के शब्द पढ़ना भी आ जाएगा। इस तरीके से आप करवा सकते हैं, ख ट म ल खटमल, ख ट म ल खटमल। उसके बाद जब बच्चों को ये सब आ जाए तो हम बच्चों को इस तरीके से चार अक्षर के बहुत सारे शब्द दे सकते हैं और उनको रोज़ रीडिंग लगवाएंगे। ऐसे ध न प त धनपत, ह र क त हरकत, ब न सॉरी ग न प त गणपत, ह स र त हसरत, ब च प न बचपन, ग र द न गर्दन, अ च क न अचकन, उ ब ट न उबटन, स र प ट सरपट, ख ट प ट खटपट, पन घट, झ ट प ट झटपट। इस तरीके से बच्चे अगर बच्चे प्रोनाउंस कर करके पढ़ेंगे, रोज़ रीडिंग लगाएंगे, आप उनकी रोज़ की रीडिंग लगाने की प्रैक्टिस करवाइए। कम से कम आधा से एक घंटा आप उनको रोज़ बुक में रीडिंग लगवाइए उनसे, तो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और वो बुक पढ़ना बहुत ईजी तरीके से सीख जाएंगे। बच्चों को इन सब अक्षरों का रोज़ जो है प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करवाएंगे तो बहुत जल्दी से वो बुक में रीडिंग लगाना सीख जाते हैं। तो आइए मैंने अपनी नेक्स्ट वर्कशीट दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट वर्कशीट जो है हमारे चार अक्षर के शब्द सिखाने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से बना रखी है। देखिए, दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द बनाइए, दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द बनाइए। जैसे बच्चों को अब इनका नॉलेज हो गया है तो अब वो ऐसे जोड़ करके इसको शब्द बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ से ये तालाबे शो लेंगे, स र ब त, स र ब त, तो एक शब्द हमारा क्या बन जाएगा, शरबत। ओके, नेक्स्ट शब्द बच्चे देखेंगे यहाँ पे क्या है, ब न म, इसमें जोड़ स जोड़ देंगे तो ब सॉरी स ब न म सबनम, यहाँ पे आ जाएगा स ब न म सबनम। इस तरीके से और जोड़ करके स ल ग म सलगम, यहाँ पे आ जाएगा स ल ग म सलगम, है। इस तरीके से बच्चे जोर जोर के बनाएंगे और उनका प्रैक्टिस जो है इस तरीके से अच्छे से उनकी प्रैक्टिस होती रहेगी। देन देन ऐसे कर सकते हैं, हम पहले हमने ऐसे करवाया था, अब देखिए क र व इस टॉक को जोड़ेंगे तो करवट हो जाएगा, क र व ट करवट, स र प ट सरपट, स र प ट सरपट। इस तरीके से आप बच्चों को करवा सकते हैं, उन्हें करने में भी बहुत मजा आएगा और इस तरीके से अगर वो बार बार एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें सीखने बहुत जल्दी वो सीख जाएंगे, बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे, हैं। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्कशीट जो मैंने बनाई है चार अक्षर के शब्द के ऊपर,
बहुत अच्छी वर्कशीट लेकर के आई हूँ मैं आज आप सबके लिए। बहुत इजी मेथड है और बच्चे अगर इस तरीके से करेंगे तो उन्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है चार अक्षर के शब्द में। ये देखिए, अक्षरों को सही क्रम में लगाओ। जैसे आप बच्चे अच्छे से चार अक्षर के शब्द पढ़ना सीख गए हैं, उन्हें पता है क्या कौन सा शब्द कैसा कैसे बोलना है, तो आप देखिए प घ न ट ये अलग अलग तरीके से सही मतलब गलत तरीके से दिया हुआ है, बच्चे इसको सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जो ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है तो इसको हम क्या बना सकते हैं, ये अलग तरीके से लिखा हुआ है, इसको सही क्रम लिखना है तो प न घ ट पनघट हो सकता है इसका। र स ब त हो ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसको हमें सही क्रम में लगाना है। तो बच्चे इसको देखेंगे इस शब्द से इन वर्ण सबसे हम कौन से शब्द बना सकते हैं, तो इनसे बन सकता है स र ब त, शरबत बन सकता है इससे, इससे कटहल बन सकता है, इससे उपवन बन सकता है। इस तरीके से बच्चे आप अपने अकॉर्डिंग बच्चों को और भी बहुत सारे ऐसे ऐसा उल्टे शब्द लिख करके देख सकते हैं दे सकते हैं और बच्चे उन्हें सही से सही क्रम में लगाएंगे और फिर उन्हें अच्छे से उनकी प्रैक्टिस होती रहेगी। नेक्स्ट देखिए, चित्रों को देखो और सही शब्द पर टिक लगाइए। ओके, तो मैंने इस कुछ पिक्चर्स ऐसे बना रखे हैं, जैसे ये थर्मस की पिक्चर है, ये बर्तन की हैं आप देख पा रहे हैं, और ये बरगद की है, ये अदरक की है। तो बच्चे इसको पढ़ेंगे थर्मस लिखा हुआ है, ये थलचर लिखा हुआ है, तो ये थलचर तो होगा नहीं, तो बच्चे पिक्चर से बहुत जल्दी बच्चे पिक्चर को बहुत जल्दी ग्रैप करते हैं। तो बच्चे देखेंगे थर्मस की पिक्चर है तो थर्मस पे टिक लगाएंगे, हैं। जैसे बच्चे देखेंगे पनघट की पिक्चर तो है नहीं है, ये बर्तन है, सारे बर्तन की पिक्चर शो कर रही है, तो बच्चे बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ पे टिक लगाएंगे, ये बर्तन है बर्तन, ये तरकस नहीं है, ये क्या है, ये बरगद है, तो बरगद पे टिक लगाएंगे। ऐसे ये अदरक है तो अदरक पे टिक लगाएंगे। ओके, तो इस तरीके से बच्चे करेंगे और उन्हें चार अक्षर के जो शब्द हैं वो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ईजी तरीके से बहुत जल्दी जो है क्लियर हो जाएगा। आई होप मेरी ये कुछ जो वर्कशीट मैं आपके लिए लेकर के आई थी आप लोगों को पसंद आया हो, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ अगर आप इस तरीके से अपने बच्चों को वर्कशीट देंगे और इस तरीके से उन्हें बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे चार अक्षर की शब्द की, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं, उन्हें बहुत जल्दी बहुत अच्छे से वो जो है चार अक्षर के शब्द जो है पढ़ना सीख जाएंगे। और बुक में रोज़ उनको रीडिंग लगवाया करिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करवाएंगे अपने बच्चों की तो बच्चे बहुत जल्दी बुक्स पढ़ना सीख जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, मैं अपने वर्कशीट पे बहुत मेहनत करती हूँ और मैंने पहले मेरी आप दो अक्षर और तीन अक्षर की वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने डाल रखी हैं यूट्यूब पे। थैंक यू वंस अगेन।